आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन सभी यूज़र के लिए जो कि अपने अपने डिवाइस में विदाउट कैमरा टू एपीआई गूगल कैमरा यूज़ करना चाहते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेडमी के फ़ोन आपके पास हो या सैमसंग हो या फिर रियलमी है, तो यहाँ पर आपके जो गूगल कैमरा का सपोर्ट है विदाउट कैमरा टू एपीआई आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें हमारा डिवाइस रेडमी नोट 5 प्रो भी शामिल है। आप काफ़ी आसानी से अपने स्टॉक कैमरा से अच्छे रिजल्ट पा सकते हो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जो कि ऑफिशियल गूगल की तरफ से आपको देखने को मिलता है और इसका नाम है कैमरा गो। तो यहाँ पर जो भी लो वेरिएंट के फंक्शंस वाले फ़ोन हैं उसमें आप ये कैमरा गो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका आउटपुट कैसा है और आपको कैसा पिक्चर्स का आउटपुट देखने को मिलने वाला है और क्या क्या इसके अंदर आपको नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। ऊपर में सेटिंग का बटन है, उसके अलावा कितना फ़ोटो आप कैप्चर कर सकते हैं वो नंबर है, उसके बाद फ्लैश टाइमर फेस एनहांस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है सेटिंग्स में। तो इसके अलावा ज़्यादा यहाँ पर कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं इसका भी आउटपुट आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या देखने को मिलता है। नीचे आपको पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो और ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। मैं आपको एक पिक्चर भी क्लिक करके सैम्पल पिक्चर्स दिखा देता हूँ अपने रेडमी नोट 5 प्रो के डिवाइस में, जिसमें आपको कैसा आउटपुट देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं, ये फ्रंट कैमरा से मैंने यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स लिया है और काफ़ी अच्छे डिटेल्स मेरे फेस के देखने को मिल रहा है और जो इसके स्टॉक कैमरा है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ये जो पिक्चर का आउटपुट है ये देखने को मिल रहा है। जो भी रेडमी नोट 5 प्रो के यूज़र हैं उन्हें पता होगा कि इसका जो फ्रंट कैमरा है इतना अच्छा आउटपुट नहीं देता है। इसके अलावा इसके अगर रियर कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा भी इसका काफ़ी बढ़िया है कैमरा गो का, जिसमें काफ़ी अच्छी डिटेल्स के साथ आपको पिक्चर देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये जो है फिक्स्ड वर्जन यानी स्टेबल वर्जन तो नहीं है, इसके अंदर डेवलपमेंट और भी होगा और बहुत सारे ऑप्शन अभी आपको दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ अभी स्टार्टिंग के बिल्ड के लिए काफ़ी बढ़िया है। मतलब इतना तो ज़रूरी अच्छा है कि जो भी डिवाइस में यहाँ पर कैमरा टू ए पे इनेबल नहीं है उस डिवाइस में आप कैमरा गो को इंस्टॉल करके, चाहे आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो, MIUI के ऊपर हो, स्टॉक एंड्रॉयड है, उसमें आप काफ़ी आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कैमरा टू ए पे इनेबल करने का ऑप्शन नहीं है। ट्रांसलेट का ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा फीचर है। तो आप न्यूज़पेपर वगैरह को यहाँ पर पिक्चर क्लिक करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जस्ट आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये कैमरा जो है वो इंस्टॉल होता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद ज़्यादा साइज़ का ये नहीं है, 13 MB के एबव का ये साइज़ का ये आपको फाइल देखने को मिल जाएगा। जैसे इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और जैसे ही आप इस कैमरा को इंस्टॉल करेंगे अपने डिवाइस में तो आपको कुछ परमिशंस देने होंगे, जिसके बाद आपका जो गूगल का कैमरा गो है ये आपको रन करता हुआ दिख जाएगा। साथ ही साथ रेडमी नोट 5 प्रो की बहुत सारे यूज़र कमेंट करते थे कि इसमें कैमरा टू ए पी इनेबल कब होगा, कब हम गूगल कैमरा इंस्टॉल कर पाएंगे, तो उसका ऑप्शनल आपको देखने को मिल गया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और वो लोग भी जो गूगल कैमरा विदाउट कैमरा टू ए पी इनेबल करना चाहते थे या फिर यूज़ करना चाहते थे, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी आसानी से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।